बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही, अब सबको पता है कि मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ। उसकी वजह ये है, पहली वजह तो ये है, ये आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताना है। अनु किधर लेके आया, किधर लेके आया, चरान आया था। ये हमारा कटा, ये मेरे साथ ही यहाँ पे आ गया था। ये जो आम हमने खाए हुए हैं इनकी सफाई करता है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिलके पड़े हुए थे जो टोटली खा गया ये। अभी यहाँ ये रहते हैं सिर्फ, और कुछ खा रहा है ये, देखें खा गया। ये बकरियां पता नहीं किसकी हैं, अभी ये भी आ गई हैं यहाँ पे छिलके खाने के लिए। और वो सामने हमारा जामुनों का दरख्त है जो मेरे कजन ऊपर चढ़े हुए हैं, ये देखें। अभी जामुन पके भी नहीं हैं लेकिन ये ऊपर चढ़ गए कच्चे ही तोड़ने के लिए। पके दे है ना उते हैं, तो फिर एवं चढ़ गए थे उत्ते। हाँ, 48 घंटे रहते नहीं, 24 घंटे उस बाद ला देना पानी। हवा चलती पई है, थोड़ा जहा थले रख लियो। पनीरी में घास वगैरह इसके लिए स्प्रे की जा रही है। ये पहले जो हमारे पास जिन्होंने लगाई हुई है पनीरी, पहले वो कर रहे हैं, फिर उसी टैंकी से मैं करूँगा। तो मेरी पनीरी में भी घास है और उनकी पनीरी में भी आया था, तो इनको इन्होंने टैंकी लेके आए हैं। तो अभी मेरी दवाई इधर ही पड़ी हुई है, ये सामने पड़ी है, तो ये कर लेंगे। उसके बाद मैं करूँगा, उसके बाद मैं फारग हूँ। जनेब मुझे कॉल कर रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ये स्प्रे करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे आए हुए हैं, स्प्रे भी लेके आए हैं, इस वजह से अभी स्प्रे करना हमारी मजबूरी है। तो इसके अलावा क्योंकि पनीरी लेट भी हो रही है, इसलिए आज हर हाल में करनी ज़रूरी है। तो जनेब मुझे कॉल कर रहा है, मैं अभी जाऊँगा उसकी तरफ ही, क्योंकि हमने जाना है किसी जगह पे। अगर तो यहाँ से टाइम पर फारग हो गया तो इंशाल्लाह हम जाएँगे, अगर नहीं जाएँगे तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग पर। जाना कहाँ पर है वो अगर इस ब्लॉग में, चले मैं आपको बताता हूँ जाना कहाँ पर। जाना हमने पाक इंडिया बॉर्डर के टूर पे, तो इंशाल्लाह अगले व्लाग में, इस व्लाग में तो शायद ना जा सके, तो इंशाल्लाह अगले व्लाग में हम जाएंगे। अभी जाके जनेब से पूछते हैं, अगर उसने ज़िद की तो इंशाल्लाह इसी व्लाग में हम जाएंगे, अगर नहीं ज़िद की तो फिर भी मैं व्लाग उसके लिए अलग बनाऊँगा, अभी वो जाके पता लगेगा। सफ़े जो है वो मैंने कर लिया, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखें। तो सफ़े जो है वो मैंने कर लिया, तो जनेब को मैंने कॉल किया, कबड्डी देखने के लिए जाना था हमने, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आ गया हूँ, मेरा भाई छोटा है उसके साथ ही,
तो मुझे कह रहा था कि अभी तुम आना होगा तो आ जाना, नहीं तो फिर मैं लेके आ जाऊंगा तो मेरी कोडी जोन सी है वो अपने ब्लॉग में अपलोड कर लेना। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं करनी, अभी वो खुद बनाएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल मैं ब्लॉग का करता हूँ यहाँ पे एंड, मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि ये ब्लॉग जो है ये मैंने बहुत ही मुश्किल से और भाग भाग के दौड़ भाग करके तो ये ब्लॉग बनाया, इसलिए ये ब्लॉग मुझे पता है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना। तो अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने भाई को दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।